दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पौंटा साहिब। सोलन में पहली 2 जून को दूसरे महाकीर्तन दरबार का आयोजन होगा। इसमें देश भर से 5000 से अधिक की संगत भाग लेगी। विशेषकर मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला, अंबाला, पंचकुला एवं प्रदेश के विभिन्न गुरुद्वारों से संगत पहुंचेगी। 2 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से साय 9 बजे तक चलेगा। इस दौरान सुबह से गुरु का लंगर अटूट बरता जाएगा। इतना ही नहीं, संगत के लिए निःशुल्क बसों एवं गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। सर्वसांझी कमेटी जो सिख समुदाय की एक कमेटी गठित की गई है, जो सारे पहाड़ी इलाके के सारे गुरुद्वारों को मिला के एक जॉइंट एसोसिएशन कमेटी बनी गई। इसका कमेटी का उद्देश्य है कि इंसानियत की सेवा करना और किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करनी और गुरु नानक देव जी के बताए रास्तों पर चलना, जो कि हर सिख का एक फ़र्ज़ है अपने देश के प्रति और एक इंसानियत के प्रति। क्योंकि हर सिख का सोचना यही होता है कि फर्स्ट टाइम मैं इंडियन, देन आई एम सिख। रिलीजन बाद में आता है, कंट्री पहले आती है अपनी। ये उद्देश्य हम तो हमारे गुरुओं ने भी इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, पाओ देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं ताकि देश बहाल रहे, खुशहाल रहे। तो हम उनके नक्शे कदम में चलते हुए अपने पहला समागम पिछले साल रखाया था और ये भी समागम इस टाइम इस साल भी हमने रखाया है कि ये समागम सबको एकत्रित करे। मैं इस टाइम में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात याद कराना चाहूँगा, क्योंकि तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी अंग्रेज़ों के टाइम में जब उन्होंने जब इनकलाब का बहुत बड़ा एक रुझान, बहुत बड़ा एक माहौल चला हुआ था, उन्होंने सबको, सिर्फ हिंदू नहीं, सारे धर्मों को इकट्ठा करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने के लिए उन्होंने गणेश उत्सव रखाया था, जो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मनाया जाता है। उसका मतलब ये महत्व ये था कि सारों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके इंसानियत के रास्ते में सही रास्ता दिखाना और अंग्रेज़ों को जोर दिखाने के हिसाब से। इस टाइम में हमारा ये उद्देश्य है कि हम उस उद्देश्य को आगे रखें, गुरु नानक देव जी के उद्देश्य को आगे रखते हुए, और जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जो ये रखाया था कि एक गणेश उत्सव रखाने के लिए भी एकजुट होकर हम साथ में चलें, उसी परंपरा को हम एज ए इंडियन, एज ए गुरु सिख होते हुए हम। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पिछले 25 वर्षों से अपनी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा व बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थान में जीएनएम नर्सिंग, बीफार्मा, डीफार्मा, बीडीएस, एमडीएस के साथ साथ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं में ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है। यहाँ से नर्सिंग को फार्म केयर की शिक्षा प्राप्त कर छात्र छात्राएं प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित फैकल्टी उपलब्ध है। इसके साथ साथ संस्थान पौंटा साहिब में चैरिटेबल अस्पताल भी चला रहा है। संस्थान भविष्य में भी बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।